नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। आज का विषय था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि जाड़े में जो सब्जियां मैंने लगाई थी क्रमबद्ध, जो अंतर डाल के कैसे मैंने अंतर डाला था, उसका देखिए परिणाम कितना अच्छा हुआ। पिछले साल मेरे से ये गलती हुई थी, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल गलती क्या हुई थी कि मैंने एक साथ ही जितने मेरे पास डब्बे हैं, मैंने सारे गमलों में, ये फिश कंटेनर हैं, इन सारे फिश कंटेनरों में मैंने एक साथ सर्दी वाली सब्जियां लगाई थी। देखिए यहाँ पर मैंने इनको समय रहते खाली कर लिया और गर्मी के लिए छोड़ दिया, ये मिट्टी धूप खा जाए। और इधर देखिए 56 कद्दू कितना अच्छा बन रहा है। इधर भी दो गमलों में मैंने 56 कद्दू लगाया था। सवाल आता है कि एक फिश कंटेनर में कितने भिंडी के पौधे लगाएं या कितने 56 कद्दू के पौधे लगाएं? तो मैं कहूँगा अगर 56 कद्दू का पौधा आपके पास तैयार है तो एक ही लगाएं। एक ही पौधा इतने फल दे देगा कि आपके दो पौधे के बराबर। देखिए यहाँ पर ये कंटेनर खाली हो गए, जो आपको पता है इनमें सब में फूल गोभी, ब्रोकली लगी हुई थी। और इधर से हार्वेस्ट करने के बाद देखिए मैं इधर ले चलता हूँ। जैसे जैसे 15-15 दिन का अंतर देकर मैंने लगाया हुआ था, वैसे वैसे देखिए यहाँ मेरे को हार्वेस्ट करने को मिल रही। और इधर देखिए ये टमाटर की पौध अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई थी, तो ये अभी थोड़े दिन में मेरे को फल देने लगेगी। और ये पुराने टमाटर के पौधे, और जैसे ही टमाटर के पौधे सामने आए तो इनको हिलाइए ज़रूर। जब भी टमाटर का कोई भी पौधा फूल लगा हुआ सामने आ जाए तो उसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके अंदर अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये देखिए इधर से मैं ले चलता हूँ, और ये भी इधर से भी देखिए कितनी हार्वेस्ट सब्जियाँ यहाँ से हो गई। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ से बराबर निरंतर इस बार सब्जियाँ हार्वेस्ट करने को मिली, और इधर तक सब्जियाँ ये हार्वेस्ट करने को अभी कल तक मेरे को यहाँ पर ये सब्जियाँ मिली हैं हार्वेस्ट करने को, और वही अब यहाँ पर तैयार हो रही हैं। मैं आपको इधर से ले कल चल के दिखाता हूँ कि अंतर डालने से क्या हुआ कि पूरे लगभग मार्च तक मेरे को सब्जियाँ हार्वेस्ट करने को मिलेगी जाड़े वाली। अब देखिए उधर ब्रोकली कितनी अच्छी हार्वेस्ट की थी, और ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अब इधर तैयार हो रही। अगर मैं अंतर ना डालता, ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए हेड ज़रा, अगर मैं अंतर ना डालता यहाँ से मैंने यहाँ तक इधर देखिए कितनी दूर तक इस सब में 15-15 दिन का अंतर डाल के लगाया था, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमको लगभग जनवरी से ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिलना शुरू हो गई, और मार्च तक ऐसे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और नहीं तो एक साथ लगाने से पिछली बार क्या हुआ था कि पूरी ब्रोकली एक साथ एक हफ्ते के अंदर रेडी हो गई थी। फिर क्या हुआ, फिर उनको तो मेरे को सारी हार्वेस्ट करनी पड़ी, और सारी गमले खाली हो गए, और पौध तैयार नहीं थी, गर्मी वाली पौध तैयार भी नहीं थी। फिर तो उनको फ्रिज में आप कितने दिन रख लेंगे? देखिए यहाँ पर भी ये कितनी सुंदर गोभी तैयार हो रही है और इसमें बन रही है। अंतर का ये असर है कि मैंने जो इसमें अंतर डाला, और बीज जैसे ही आपके पास कोई पौध बच जाती है और आपने उसको वो पौध जल्दी लगानी थी मगर वो पौध लेट हो गई, तो उसमें क्या होगा, इस तरह से आपको फूल जो आएगा वो छोटा ही आ जाएगा, छोटे ही में आपको फूल मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर गमले खाली थे तो लगा दिए गए तो छोटा ही सही, कुछ तो मिला। हमारे गमले खाली होने से तो अच्छा ही है कि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सब्जियाँ इस तरह से अपने ही छत से तोड़ने को मिल जाती है। तो मैंने आपको आज ये जानकारी दी कि चाहे गर्मी की सब्जी हो
और चाहे जाड़े की सब्जी हो, उसमें आपको अंतर दे के ही चलना है। अपने सारे गमले, अगर आपके पास 10 गमले हैं तो आप अपने 10 गमलों को, पता चला आपके पास जैसे लौकी के 10 बीज हैं या 6 बीज हैं, तो अभी आप 2 बीज लगाइए 10 दिन के अंतर में, और फिर 15 दिन के अंतर में फिर 2 बीज लगा दीजिए। तो जैसे ही वो 15 दिन का अंतर आएगा, तो जब वो सब्जियां हार्वेस्ट होंगी तो वो सब्जियां भी आपको 10-10, 15-15 दिन के अंतर में हार्वेस्ट होंगी। उससे निरंतर आपको फसल मिलती रहेगी। और फिर मैं कहूँगा कि जैसे ही मई और जून आए, इतना ध्यान लेके चलना है, तो सब्जी वाले जितने डब्बे हैं इनमें कुछ भी नहीं लगाना है, वो एकदम खाली छोड़ देना है। मई जून की धूप दिखानी है, क्योंकि जुलाई की तैयारी करनी है। मई एक महीना भी अगर आप अपने डब्बों में पानी नहीं डालेंगे, सब्जी वाले डब्बों में, मैं कह रहा हूँ, मैं उन पौधों को नहीं कह रहा हूँ जो परमानेंट पौधे होते हैं। परमानेंट में हमारे आम है, अमरूद है, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, केला है, अनार है, ये जो भी हमारे फूल वाले पौधे भी, गुलाब है, ये परमानेंट पौधों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सब्जी वर्गीय पौधों की बात कर रहा हूँ। उनके लिए जुलाई एक महीना आपको छोड़ना पड़ेगा। किसान भी आप देखिए तो एक महीने के लिए अपने खेत छोड़ देते हैं, उनको जुताई करके खेतों को छोड़ देते हैं, जिससे उस मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होगा वो नष्ट हो जाएगा और लाभकारी बैक्टीरिया फिर से बारिश होगी, फिर से पनपेगा और फसल अच्छी होगी। तो लगभग यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।